एकदम फीमेल डॉग है ये, इसका वो देखिए लंगड़ लंगड़ के भाग रहा है, वो तीन पैर होके भी वो इतना मतलब एक्टिव है ना। इसका अभी ट्रीटमेंट तो चल रहा है अभी बहुत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर आरजे। सो वेटनरी मेडिकल पे हूँ, यहाँ पर एक बंदा है जिंगलिया डाइसी स्पाइसी का, वहाँ रहता है वो। एक डॉग एक्सीडेंट हुआ था एक हफ्ता पहले, तो मुझे कॉल किया था कहीं से नंबर लेके, तो बहुत सीवियर केस है, उसका पैर बिल्कुल एकदम टूट गया है। तो मुझसे बात किया तो बोला ऐसा हेल्प चाहिए उसको वेटनरी लेके जाके लेके आने के लिए। तो फिर बाद में वो खुद ही मैनेज कर लिया था, उसको हेल्प का ज़रूरत नहीं पड़ा। बट तीन चार दिन का बाद उसका हालत बहुत ख़राब हो गया था उसका पैर का, तो डॉक्टर ने बोला कि पैर काटने के लिए, पैर काट देने से उसको इन्फेक्शन नहीं होगा और उसका रिलीफ होगा। तो फिर हम दो तीन दिन से ढूंढ रहे, कुत्ता कहीं ना कहीं मिस हो जाता, क्योंकि वेटनरी का टाइमिंग होता है कि सुबह 8:30 से और शाम 4 बजे तक टाइम होता है, तब तक मैं डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, मगर ये डॉग मिलता नहीं है। तो आज अचानक 3 बजे का टाइम मिला, तो वो बंदा मुझे फ़ोन किया था तो लेके आया, मगर डॉक्टर अभी नहीं कर सकते बोले, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट में उसका एनेस्थीसिया देके उसका ऑपरेशन करना होता है, अभी तो कर नहीं सकते डॉक्टर बोले। आज ही मैंने देखा वो चोट को, वो डॉक्टर ने बोला कि बहुत अच्छे हीलिंग हो रहा है, पैर काटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अभी डेली ड्रेसिंग करने से बस है। वो डॉग को आप देख सकते हैं, इतना बड़ा डॉग है, आईसी स्पाइसी, वो चिकन सेंटर जो दुकान अपोजिट में लाइन से, वो चिकन दुकान का वहीं पर ये रहता है। कितना अट्टा गट्टा है, एकदम कितना अट्टा गट्टा कुत्ता है, एकदम फीमेल डॉग है ये। इसका वो देखिए लंगड़ लंगड़ के भाग रहा है, वो तीन पैर होके भी वो इतना मतलब एक्टिव है ना, उसको पकड़ नहीं पाते, और प्लस इतना मोटा है, हेल्दी है, तो उसको लेके कैरी करने भी बहुत मुश्किल होता है। वो अभी भाग गया है वहाँ पर। सो ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं और मैं रेस्क्यू करते रहता हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं 24/7 फ्री बैठा है, रेस्क्यू के लिए एनी टाइम कॉल आते हैं तो मैं पहुंच जाता हूँ। बट ऐसा नहीं है, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, मैं फ्री नहीं रहता हूँ, टाइम निकालना पड़ता है, और वैसे भी मुझे केस दिख जाते हैं तो मेरा दिल नहीं चाहता है कि नहीं करना करके, मेरा दिल और दिमाग उसी में फोकस हो जाता है, मैं काम को भी छोड़ के कभी कभी आ जाता हूँ। ये बंदा है, बंदा का नाम सेल्वम है, वहाँ जंगलियात में रहता है। बैंडेज खोलना है तो आंटी उसका डेली ड्रेसिंग हो रहा है, हीलिंग होता है अभी, देखते क्या होता। नहीं अगर खोल देगा तो ये लगा दो, क्योंकि कल आने को मतलब एक करा ना, नहीं कल वो पैर काटेंगे बोले थे, अभी तो हीलिंग होते तो सर बोले कि काटने का जरूरत नहीं है, डेली ड्रेसिंग करने से बस है, धूप में भी लगाते ना। तो अभी इसका ड्रेसिंग वगैरह हो गया है, इसका अभी ट्रीटमेंट तो चल रहा है अभी बहुत, अभी 10 दिन से अभी बहुत सा हीलिंग हुआ है, अभी आगे डेली इसका ड्रेसिंग होगा, फिर अगर ठीक नहीं होने से इसका पैर काटना पड़ेगा। ये ऊपर तो फिर ऐसे डे बाय डे एक्सीडेंट हो रहा है, क्या करें, इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे एक्सीडेंट होते रहेगा। और हम जैसे कुछ लोग हैं जो हमेशा ऐसी रेस्क्यू करते रहना पड़ेगा, और इसको रखने का तो जगह नहीं है। जंगलिया टाइसी स्पाइसी का सामने जो चिकन सेंटर का दुकान है वो, ये वहीं का कुत्ता है, तो वहीं डरता है, वहीं रहता है, वहीं घूमते रहता है। एक्चुअली ये बंदा ने मुझे फ़ोन किया था रेस्क्यू के लिए, एक्चुअली फर्स्ट दिन जब देखा था ये बंदा से मैंने बात किया था, तो ये बंदा बोला कि मैं डेली ड्रेसिंग करा रहा हूँ और तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हेल्प चाहिए रहेगा तो फ़ोन करेगा, ये बंदा बोला था। तो इसको हेल्प चाहिए था तो मुझे मैसेज किया और कॉल किया, तो
मैंने आ गया ड्रेसिंग करवाने आज। सो ड्रेसिंग वगैरह हो गया है, अभी इसको वापस वही जगह लेके जाके छोड़ देंगे, अब वो जगह वो रहेगा, इसको डेली कैरी करके लेकर आना पड़ेगा हम और ये बंदा, या फिर वो अकेला मैनेज कर पाते हैं तो वो जब भी फ्री टाइम उसको मिलते हैं तो वो बंदा आ जाता है लेके, मेरा ज़रूरत नहीं पड़ता है। ऐसे हो जाने से मुझे भी अच्छा है क्योंकि मैं मेरा दिल नहीं मानता कि ऐसा, मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाता है इतना सारा रेस्क्यू देख देख के, हालत ख़राब हो जाता है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ये पॉपुलर में सबको शेयर करने से अच्छा होगा कि ऐसे सभी केस आ रहा है। सो आप सबको थैंक यू, बिल्कुल भूलना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और फुल वीडियो देखना। थैंक यू।